हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एक और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा 15 क्वेश्चंस, ठीक है। जो 15 क्वेश्चंस जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद किशोर, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके कितने जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं अंत में, ठीक है। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। संपूर्ण ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो साथ में इसमें क्या है कि ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, तो इसमें मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आके आपका वीडियो भी छोटा बने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में डाक टिकट पहली बार किस गवर्नर जनरल ने जारी किए, भारत में डाक टिकट जो है वो सबसे पहले किन्होंने जारी किए थे, आपके पास 4 ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जो कि है डलोजी, ठीक है। भारत में डाक टिकट जो है वो पहली बार डलोजी ने जारी किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है वो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे ही मैंने नहीं लिए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन है। और इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका डायरेक्ट मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच 1854, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है विलियम जॉन्स हिंदू कॉलेज, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो किन्होंने की थी, आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राममोहन राय ने, ठीक है। राजा राममोहन राय ने स्थापना की किसकी, कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्न देसी रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है, हमें बताना है शासन में मिलाया गया, आपके पास झांसी, 2 नंबर है संबलपुर, 3 नंबर है सतारा। उक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मेलन का सही कालानुक्रम, यानी सबसे पहले किसे मिलाया गया, उसके बाद में किसे मिलाया गया, और बाद में से किसे मिलाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। 3-2-1 यानी सतारा, संबलपुर और झांसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी, तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किन्होंने की थी, तो इन्होंने की थी क्लाइव ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1754 में बंगाल का नवाब था, तो कौन थे, 1757 है, नए की 54 है, मेरे बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया है, लेकिन आप अभी मैंने बता दिया आपको, 1757 में बंगाल का नवाब था, तो कौन थे, ये थे सिराजू दौला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा, देखिए वास्को डिगामा जो है वो भारत कब पहुंचा था, आपको पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर 1498 वास्को डिगामा जो भारत है 1498 में पहुँचा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको क्या बताना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है वो विद्रोह और जो है आप आंदोलन बोल सकते हो, और इन उन व्यक्तियों की सूची है ये जिसमें मतलब नेतृत्व किया था, यानी कौन से विद्रोह का किन्होंने नेतृत्व किया था, तो आपको मिलान करना है इसका, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा किस में मिलान करना है, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि इसमें ए जो है रामोसी विद्रोह जो है उनका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने, किसे, रामोसी विद्रोह का चित्तूर सिंह ने किया था, और बी है अहोम विद्रोह जो है उनका जो है नेतृत्व किया था गद्दाधर सिंह ने, और वहाबी आंदोलन जो है और उनका किया था सैयद अहमद मौलवी ने, और कुका जो विद्रोह है और उनका कुका विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था, राम सिंह ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है
वो है सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनाया था। देखिए सती प्रथा को मतलब समाप्त करने के लिए किन्होंने कानून बनाया था, तो आपके पास चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो कि है कौन से 1829 शायद तक, आई थिंक 1829 में होना चाहिए, हो सकता है पहले, वो आप देख लीजिएगा कब है, तो आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, वो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने देखा नहीं अभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में अंग्रेजी माध्यम की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के संस्थापक थे, तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेकाले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल था, तो ये कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इन्हें माना जाता है, किन्हें माना जाता है, इन्हें माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है, कार्नवालिस ने। अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्य समाज ने किसे प्रोत्साहन दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि है स्त्री शिक्षा, धर्मांतरण और मूर्ति पूजा विरोध। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस प्रकार के टेस्ट देने के लिए मतलब डेली टेस्ट आप देखना चाहते हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।